एक्सरसाइज 10.2 बिट 5 एंड 6 आर डाउट्स. सो बिट 5 अगर देखा जाए इसमें ऐसे दिया हुआ है जी, सी हैज 3 सी, ठीक है, पारा पोजीशन पे लगा, पी मींस पारा, ठीक है, सी एल सी 6H4 होल ट्वाइस सी एच, ब्रैकेट में फिर दिया बी आर एंड वी हैव सी एस थ्री. दिस इज बिट 5 एंड बिट 6 जो है, बिट 6 जो है ये ऐसा है कुछ, सी एस थ्री होल थ्राइस सी, फिर आ गया सी एच डबल बॉन्ड, फिर आ गया सी एल सी एच डबल बॉन्ड सी एल समथिंग, कुछ तो गड़बड़ है. हाँ, ठीक है. तो चेन पे सीएल नहीं आना चाहिए बट चेन पे सीएल आ गया है, चेन के बीच में. चेन जो है हमेशा कार्बन का होता है और यहां पर देखिए चेन तो हुआ फिर बीच में सीएल आ गया, इसका मतलब हमें वो समझाना चाहता है कि चेन खत्म नहीं हुआ यहाँ पर. सी सिक्स एच फोर आई एंड ये भी पारा पोजिशन पे लगा हुआ. सो एक्चुअली ना पैकेट में लिखा मीन समझ जाइए दैट इज नॉट कनेक्टेड टू चेन, वो इधर ऊपर से ब्रांच हो गया तो नीचे का ब्रांच होगा. हम इसको क्या करेंगे, वेरी सिंपली सीएस लिखेंगे देन सिंगल बॉन्ड सी एंड ये जो आपको दिख रहा है पारा पोजीशन में सीएल लगे हुए हैं सी सिक्स एच फोर. सी सिक्स एच सिक्स जो है पता है वो हमारा बेंजीन है, बेंजीन जो है उसका कोई सब्स्टिट्यूएंट है पारा पोजीशन में जिसको हम लोग पारा क्लोरो लिखा जा रहा है, प्लस दैट बेंजीन इटसेल्फ इज कनेक्टेड टू सम कार्बन एंड वो कार्बन कोई नहीं है ये कार्बन. कैसे पता चला आपको, वेरी सिंपल, हर कार्बन का चार बॉन्ड होते हैं तो हर कार्बन का जो चार बॉन्ड है एक कार्बन का जब इस तरफ एक बॉन्ड हो चुका है बाकी तीन बॉन्ड आपको दिखना चाहिए. तो बाकी जो तीन बॉन्ड है ऑब्वियसली देखिए ये कार्बन से एक कार्बन का पहला कार्बन से एक बॉन्ड, ये कार्बन का इधर से एक बॉन्ड, दो बॉन्ड हो गए, फिर ये दोनों के साथ दो बॉन्ड. सो ये दो जन है यहाँ पर, तो दो जन जो है दोनों तरफ दिखाना पड़ेगा. आप ऐसे कर सकते हो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ सी एस थ्री पहले सी एस थ्री देन सी, ये सी के साथ दो बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये बेंजीन है एक्चुअली. आपको आइडिया आ जाना चाहिए क्योंकि सी सिक्स एच सिक्स का डेरिवेटिव है सी सिक्स एच फोर, तो डिराइव हुआ है एंड पारा पोजिशन पे क्लोरीन लगा हुआ है. पी मीन्स पारा, पारा मीन्स एग्जैक्टली ऑपोजिट. सो यहाँ पर भी देखिए वैसे ही रहेगा एंड यहाँ पर भी क्लोरीन लगा है और नीचे से एक्सपेंड करते जाइए और क्या, उसके बाद आपका सी एच और साइड में लगा हुआ है बी आर एंड उसके नीचे है सी एस. बस पेरेंट चेन कौन सा होगा, पेरेंट चेन कौन सा, मिडिल वाला ऊपर से नीचे. ये इसमें एक दो तीन चार, चार कार्बन होने पर भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ये एक्चुअली एलिफैटिक चेन है और ये आपका एरोमेटिक चेन है, ठीक है. एरोमेटिक में छह कार्बन है तो एरोमेटिक को पेरेंट चेन जैसे समझ सकते थे, बट अगेन एलिफैटिक चेन में आपका सब्स्टिट्यूएंट आ गया जिसकी वजह से इसका प्रेफरेंस बढ़ गया. सो दिस विल बी आवर पेरेंट चेन, दिस विल बी आवर पेरेंट चेन. तो पेरेंट चेन में टोटल चार कार्बन है, नंबरिंग का बात आएगा अभी. तो नंबरिंग अगर बात करेंगे तो 1 2 ठीक है 3 एंड ये 4 एक पॉसिबिलिटी है, या तो नीचे से 1 ये होगा 2 ये होगा 3 ये होगा 4, दो नंबरिंग पॉसिबिलिटी. कौन सा नंबरिंग सही होगा, 1 से ऊपर वाला, 1 से नीचे, 1 से नीचे, बस ऊपर से नीचे वाला, ऊपर से नीचे वाला कि नीचे से ऊपर वाला, ऊपर से नीचे, से नीचे से ऊपर वाला, ऊपर से ऊपर वाला. यस, नंबरिंग हम कैसे चूज करते हैं जब सब्सटेंस होते हैं, तो रूल कुछ है इसका, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख के, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लोएस्ट लोकेंट, सर लोएस्ट लोक मतलब लोएस्ट लोकेंट, लोएस्ट लोकेंट,
लोएस्ट हमने लोएस्ट नंबर लोएस्ट लोकेंड. अच्छा ठीक है. सो दोनों तरफ भी आर्गुमेंट है, एक आई मीन दोनों का सपोर्ट है, ऊपर से नीचे वाला का एंड नीचे से ऊपर वाला का. ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं कि ऊपर से नीचे के हिसाब से हो रहा है, मतलब 1 2 3 4 देन आपके हिसाब से आप बोल रहे हो लोएस्ट लोकेंड रूल. ठीक है, यूज करते हैं लोएस्ट लोकेंड रूल. कितना होगा लोकेंड, मतलब आपका जो जहां पर, किसको लोकेंड बोलते हैं, जहां पर आपका ब्रांचेस लगे हुए हैं. सो सेकेंड पे आपके ब्रांचेस हैं और थ्री पे ब्रांचेस, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ये वाला के हिसाब से. तो सेकेंड पे दो ब्रांच है, सेकेंड पे जब दो ब्रांच है तो क्या करोगे, 2 + 2 दो बार है इसलिए +3 ये हो जा रहा है 7. लोएस्ट लो कंट्रोल के हिसाब से ऊपर से नीचे 7 हो रहा है, और नीचे से सब देखा जाए तो नीचे के हिसाब से 2 और 3 + 3 ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, 8 होगा. सो उस लॉजिक के हिसाब से ऊपर से नीचे सही है. और एक कोई बता रहे थे कि नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाने का सपोर्ट है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर. चलो ठीक है, अगर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर करेंगे, देख लेते हैं. पहले हमें यह भी चेक करना है कि यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना है कि नहीं करना है. ठीक है, कोई बात नहीं. यहाँ पर देखो आइडिया तो आ गया, पर डिस्कस कर लेते हैं. सेकेंड पे लगा है ब्रोमो, है ना, और थ्री पे क्या लगा है, थ्री पे क्या लगा है, दो फिनाइल नहीं रहे, तो क्या बोलोगे, क्लोरोफिनाइल बोलोगे, बस क्लोरोफिनाइल बोलोगे, वो भी दो बार है, है ना. और जब रिंग वाला सब्सटेंस जब दो बार आते हैं तो 20 यूज करेंगे. सो 3 + 3 होगा 20 होगा. ठीक है, बट अल्फाबेटिकली देखने से हो रहा है, बट अगेन अल्फाबेटिकली कब देखा जाता है सर, जब दोनों साइड से लोकेंड सेम पोजीशन पे आ जाए. अब अगर सी 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 ऐसा है, यहाँ पर सी एल लगा है और यहाँ पर बी आर लगा है ना, तो इधर से देखोगे तो सेकंड कार्बन पे क्लोरो, इधर से देख रहे तो सेकंड कार्बन पे ब्रोमो. सो इधर इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, ब्रोमो एंड क्लोरो के बीच में कॉम्पिटिशन होगा. तब हम क्या करेंगे, दोनों सेम पोजिशन लगे हैं, इक्वलेंट पोजिशन पे, देन वी सी द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो यहाँ पर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसलिए नहीं देखेंगे, बिकॉज दो से ज्यादा है, तीन जने, तो दो से जब ज्यादा हो जाते हैं वो भी इक्वल पोजिशन पे नहीं है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जनरली मिस कर देंगे हम लोग, इसको यूज नहीं करेंगे, से गलत है. सो लोएस्ट लो कंट्रोल को फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से नेम देंगे. नेम दे दो क्या होगा, यहाँ पर आ जाओ, नेम दे सकते हो ना, लोएस्ट लो कंट्रोल फॉलो करो, नेम दे सकते हो कि बताऊं, हो जाएगा. सिक्स पे आ जाओ, ये भी ऐसा ही है, ये लेकिन थोड़ा सा ये डबल बॉन्ड को लेके आ गया ना, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा, है ना. जनरली सीएल जो ब्रांच है तो उसको ब्रैकेट में रखा गया, जैसे यहाँ पर देखिए बीआर जो ब्रांच था उसको ब्रैकेट में रखा गया, लेकिन इसको ब्रैकेट में नहीं रखा, व्हाई, बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसलिए सिंगल बॉन्ड आता तो ब्रैकेट में रख देता ब्रांच को, बट इसको नहीं रखा, कंटिन्यू करके लिख दिया कंटिन्यू, है ना. तो इसका भी आप स्ट्रक्चर बना लो, तो देखो तीन सीएससी लगे हुए हैं, तीन बार, तो कभी भी तीन बार सीएससी नहीं लगते, हमेशा लास्ट में एक ही सीएससी लगे रहते हैं. तीन सीएस लगा मीन्स व्हाट, ऑब्वियसली वो आपके ऊपर नीचे का ब्रांचेस है और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है. फिर सी डबल बॉन्ड के बाद कार्बन आएगा ना सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, यही तो आप मिस्टेक है बोल रहा हूँ ना सर, बुक में कार्बन है ना सर, आपको बुक में कार्बन दिया है क्या, हाँ सर, मिस्टेक है सर. अच्छा वही तो मैं सोच रहा हूँ, गलती है कैसे दिया करके मैं, ठीक है आपको बुक में दिया तो ठीक है, ये कार्बन ही है एक्चुअली, मेरा प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरा बुक में, कार्बन के बाद सीएल है सर, हाँ सर कार्बन के बाद सीएल, ऐसा है क्या, अच्छा अच्छा पता नहीं, इतना पुराना बुक हो गया मेरा, सीसीएल है तब तो ठीक है ना, फिर तो टेंशन ही नहीं है फिर, सीसीएल सीएल को ब्रैकेट में रखा होगा शायद,
कि नहीं रखा है? नहीं सर, नहीं रखा है, नहीं रखा है, नहीं रखना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या दिया है? इसको तो एटलीस्ट ब्रैकेट में रखा होगा, ये वो भी नहीं, नथिंग, डायरेक्ट लिख दिया है, डायरेक्ट है सर। हाँ सर, डायरेक्ट डायरेक्ट। ये तो पूरा गड़बड़ है यार, ऐसे नहीं लिखना चाहिए उसको, ऐसे कैसे पॉसिबल है? देखो थोड़ी ना सीएल के साइड में सी लगा रहता है यहाँ पर, बिंदी थोड़ी ना आ जाएगा यहाँ पर, इधर यहाँ पर ब्रैकेट होना चाहिए या तो यहाँ पर ब्रैकेट होना चाहिए? चलो मैं यहाँ पर ब्रैकेट दे दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल में ब्रैकेट में रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर बी आर ब्रैकेट में है तो ये भी ये ब्रैकेट में रहना चाहिए, ठीक है। और ये तो कार्बन का चेन हो तो लगेगा, उसका टेंशन नहीं, तो इसको ब्रैकेट में रखो। यहाँ पर दिया है ब्रैकेट, यहाँ पर नहीं दिया। चलो तो ये क्या हो गया जी, नेक्स्ट कौन आएगा? सी एच, देन डबल बॉन्ड सी, सी का कंटिन्यूएशन है क्या? ऊपर में सी एल लगा दो और ये साइड में ये फिनाइल को लगा दो, और पारा पोजिशन पे आयोडीन, पारा पोजिशन पे आयोडीन, पेरेंट चेन चूज करो। अगेन टू ऑप्शंस यू हैव, यू हैव एन एरोमेटिक चेन विच कैन बी कंसिडर्ड एज पेरेंट चेन, और ये पूरा के पूरा आपका एलिफेटिक है ना, पूरा के पूरा एलिफेटिक चेन। सो एज अ इसको इसको पेरेंट चेन मानना है या फिर इसको पेरेंट चेन मानना है? एलिफेटिक वाला को, एलिफेटिक वाला, एलिफेटिक वाला को मानना। व्हाई? बिकॉज़ इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, दोनों है। सो नंबरिंग कर दो, अभी नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा? दो साइड से पॉसिबिलिटी, इधर से करोगे तो 1, 2, 3 and 4, और इधर से करोगे तो ऊपर से करोगे तो 1, 2, 3 and 4। कौन सा सही है, ऊपर वाला के नीचे वाला? सर नीचे वाला से, राइट। हाँ नीचे वाला देखोगे तो मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, और ब्रांचेस का प्रॉब्लम होगा ना। हाँ फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज हमें पता है प्रायोरिटी के हिसाब से फंक्शनल ग्रुप ज्यादा, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है। सो मल्टीपल बॉन्ड को तो ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, तो नीचे वाला सही होगा नंबरिंग। ब्रांचेस का लोएस्ट लोकन रूल काउंट करो, तो फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी सर अगर मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है तो लोएस्ट लो कंट्रोल भी नहीं देखेंगे ना सर? हाँ हाँ, इसलिए तो मैं लिख लिया यहाँ पर। तो क्या नाम होगा इसका? 1, 2, 3, 4 नाम दे दो ना, और क्या, और इसका नाम क्या होगा? ब्रोमोफिनाइल, आयोडोफिनाइल, आयोडोफिनाइल। हाँ इसको ना आप क्या करोगे, ब्रैकेट में देखो ब्रांच है ना, इसको भी आपको ब्रैकेट में लिखना है, इसको भी ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि ये मेन चेन है जिसमें ये ब्रांच है, ये ब्रांच का फिर और एक ब्रांच, ब्रांच के ब्रांच, ब्रांच के अंदर जब ब्रांच आता है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जब सब्स्टिट्यूएंट आता है तो हम लोग ब्रैकेट में मेंशन करते हैं, ठीक है। सो इसका नाम क्या होगा? हाँ आप आयोडोफिनाइल तो लिख रहे हो, बट आयोडीन कौन सा पोजिशन में लगा हुआ है वो भी लिखना पड़ेगा, मतलब आपको 4-आयोडोफिनाइल लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में रखो, व्हाई? बिकॉज ब्रांच के अंदर ब्रांच आ जाता है ना, तो ब्रैकेट में लिखना, बाकी सब तो हो जाएगा। इसका नाम तो दे दो एटलीस्ट, 1, 2, 3, 4 दिख रहे हैं, तो रूट वर्ड क्या होगा? ब्यूट, डबल बॉन्ड दिखा फर्स्ट पोजिशन पे तो ई एन ई, सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच को, आई मीन ये तो नहीं है, फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, साइक्लो भी तो नहीं है, आ गया ब्रांचेस, ब्रांचेस कौन कौन है? इधर से नंबरिंग किए तो 3.3 डाइमिथाइल एक ब्रांच है, और कौन है? क्लोरो, 1 पे क्लोरो है, और कौन है? 1 पे ये भी है, 1 के अंदर ऐसे लिखना, 1 के अंदर 4-आयोडोफिनाइल। सर वो ब्रांच के अंदर ब्रांच समझ नहीं आया। अरे भाई ये दिखा ट्रेड चेन, दिखा एरोमेटिक, इसका ब्रांच कौन है? एलिफेटिक चेन का ब्रांच कौन है? वो जो बेंजीन, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन दिख रहा है ना सर? हाँ, बेंजीन का ब्रांच कौन है? आयोडीन, समझ
समझ रहा तो जब आयोडोबेंजीन लिख रहे हैं वो उसको एक ही ब्रांच मान रहे ना तभी ये क्या लिखते हैं हम लोग फिनाइल लिखते हैं ना हाँ, ऐसा नहीं होता तो हाँ. तो फिनाइल का क्या आ गया आयोडीन ब्रांच हो गया ना तो फिनाइल का जब आयोडीन ब्रांच हो गया तो फिनाइल के सामने फिर आयोडो आ गया समझा दिमाग चल रहा है कि नहीं अरे अनुराग अनुभव हाँ सर समझ में ब्रांच के अंदर ब्रांच को क्या करते हैं हम लोग ब्रैकेट में मेंशन करते हैं नेक्स्ट और क्या डाउट है होप आप लोग सब होमवर्क कर दिए हो मैं पूछूंगा नहीं बाद में जब नोट भेजोगे ना अगर नहीं है उसमें देन नहीं होगा तो क्या करेंगे भूल जाना आपके गोल के बारे में अपना लाइफ मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा आपका मर्जी होमवर्क करते रहो नहीं तो बाद में पछता होगा ऐसे पछता होगा ना एक भी रिएक्शन नहीं होगा आपका ऑर्गेनिक चलो आगे चलते हैं आज के क्लास में विल कंटिन्यू विद आवर कहां तक हुआ था लास्ट क्लास में सर डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट तक हुआ था नाउ आई विल गो फॉर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन चलो सो गिव द हेडिंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हाउ टू प्रिपेयर दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस प्रकार के अल्काइल हैलाइड्स सो अल्काइल हैलाइड्स को कैसे बनाएं या सो वी हैव डिफरेंट प्रोसेसेस गाइस क्या है ना सबसे पहला प्रोसेस जो हम देखेंगे फ्रॉम अल्कोहल अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे पाएंगे सो अल्कोहल्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव ए जनरल फार्मूला ROH अल्कोहल्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव ए जनरल फार्मूला ROH सो ये जो ROH लिख रहा है इसके थ्रू डिफरेंट रिएजेंट्स यूज करके आप RX तक पहुंच सकते हो RX इज आवर डेस्टिनेशन RH इज आवर ROH इज आवर सोर्स तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा रहे हो तो सोर्स का डेस्टिनेशन तो जा सकते हो यू हैव डिफरेंट पाथ्स है ना कोई कोई सीधा जाना चाहता है कोई घूम के जाना चाहता है जैसे भी जाओ लेकिन आपको पहुंचना है डेस्टिनेशन पे है ना तो आप अगर कुछ पाथ मेंशन कर दिया क्वेश्चन पे तो वही पाथ से आपको जाना है या तो आई एम ट्राइंग टू टेल कि आप जब डेस्टिनेशन से जा रहे हो है ना यू हैव डिफरेंट रीजंस जैसे आप सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए डिफरेंट ट्रेन रहते हैं डिफरेंट बसेस रहते हैं वैसे डिफरेंट रीजंस होते हैं तो आपका काम क्या है आपका काम ये है कि जो बसेस वगैरह हैं, ट्रेन वगैरह हैं, उनका लिस्ट नाम और उनका फंक्शन अच्छा से जानना है नहीं तो क्या होगा है ना आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे आपको कोलकाता जाना है ना ट्रेन का नेम याद नहीं है भुवनेश्वर गलत वाला ट्रेन में बैठ के भुवनेश्वर चले जाओगे या तो उल्टा इस तरफ कहीं चले जाओगे बॉम्बे की तरफ है ना सो यू नीड टू नो द रिएजेंट प्रॉपरली सो यही काम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट को पता करो उसको याद रखो एंड उसको अप्लाई करो बाद में बस ठीक है तो कुछ लोग होते हैं पूरा ट्रेन का नेम बहुत अच्छा से याद रखते हैं पता है उनको कौन सा ट्रेन कहाँ जाएगा किस टाइम पे आएगा रेलवे स्टेशन पे है ना वैसे किस मूवमेंट में कौन सा रिएजेंट को यूज करना सही रहेगा वो भी आपको पता रहना चाहिए दिस इज ओनली अबाउट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस आपके कन्वर्सन पे आते हैं सोर्स दिया रहता है बोलेगा डेस्टिनेशन तक पहुंचो आपका मर्जी आप जैसे भी रिएजेंट यूज करो या तो कभी कभी बोलेगा सोर्स दिया रहेगा और रिएजेंट दिया रहेगा आपको डेस्टिनेशन लिखना है फाइनल प्रोडक्ट लिखना है ना तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं चलो हम शुरू करते हैं सबसे पहला फ्रॉम अल्कोहल्स सो अल्कोहल से RX तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं तो सबसे पहला रास्ता है बाय पासिंग थ्रू HX ROH प्लस HX HX इज हाइड्रोजन हैलाइड X की जगह में कुछ भी हो सकता है हैलोजन्स एक्स मतलब हैलोजन आपको पता है कुछ भी हो सकता है बट सबसे बेहतर है क्लोरीन सबसे बेहतर है क्लोरीन क्यों आपको बताऊंगा
इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 जनरली लिया जाता है. ZnCl2 इज अ कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होता है ना, ये सीधा आपका कन्वर्ट कर देता है एज Rx plus H2. Rx plus H2. तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे. मैं आपको जैसे बोला सबसे बेटर है क्लोरीन, है ना, बेस्ट रिएजेंट इज HCl. सो मैं बेस्ट बोल रहा हूं मतलब कैसे बोला, देखिए जितने सारे रिएक्शन हैं सब ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, है ना. तो इसको साइंटिस्ट लोग ऑलरेडी इसका जो प्रोडक्ट निकला है ना Rx, उसका जो लाइक यू नो कितना अमाउंट निकला है ना, बेस्ड ऑन दैट वो डिसाइड किए हैं कि कौन सा अच्छा रिएक्शन है, कौन सा ज्यादा अमाउंट ऑफ यील्ड निकालना है, एंड उसके हिसाब से वी नीड टू रिमेम्बर दैट. तो मैं आपको क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस अ मैकेनिज्म कैसे हो सकता है. कुछ कुछ रिएक्शन का मैकेनिज्म पता रहता है, कुछ कुछ रिएक्शन का अभी भी मैकेनिज्म साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहे हैं. इसलिए आप देखोगे रेफरेंस बुक्स में, आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेफरेंस बुक पढ़े हो 11th क्लास में, मैं आपको कभी बताया था कि मेनी ऑफ द रिएक्शंस मैकेनिज्म आर नोन नाइसली प्रॉपरली इन डिटेल एंड मेनी ऑफ द रिएक्शंस आर येट टू बी नोन. सो इसलिए साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं, either this may take place in this process or might be through that process, either this or that, है ना, अभी भी चल रहा है. Why? Because हमारे पास हमारे confirmation नहीं है, इसलिए NCERT में आपका आपका mechanism दिखाने देता है, only बहुत rarely कुछ mechanism दिखाया जाता है. And जो exam में आपको जो mechanisms आते हैं entrance में, वो आपका पक्का confirmed mechanisms, मतलब जो scientist लोग पूरा guarantee बोल रहे हैं कि हाँ यही mechanisms के through से हो रहा है. So what is the mechanism? Mechanism ये है कि reaction कैसे हो रहा है. हमने अभी discuss किया कि हम source से शुरू किया, destination पे पहुंच रहे हैं, है ना. तो आप source में बैठे ट्रेन पे, destination पे पहुंच रहे हो, रास्ता में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. ट्रेन में बैठ के आप जा रहे हो, है ना, सपोज मान लो आप कोलकाता जा रहे हो, है ना, हावड़ा जा रहे हो, तो हावड़ा जाते जाते आपको रास्ते में टनल्स दिखाई देंगे, है ना, बड़े बड़े टनल्स अराउंड दैट चक्रधरपुर आसपास में, है ना. तो आप बोल सकते हो हाँ रास्ते में दो टनल दिखाई दिया, तीन टनल दिखाई दिया, है ना, उसमें से एक बड़ा था. तो ये सब डिटेल्स हैं आपका क्या ना मैकेनिज्म. तो वैसा जब प्रोसीड कर रहे हो इन रिएक्शन, बीच में क्या होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स मिलते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया था 11th क्लास में. आपको याद है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या क्या होते हैं, रिएक्शन के बीच में जो फॉर्म होते हैं, किस प्रकार के इंटरमीडिएट्स क्या क्या होते हैं, एनी आइडिया, यू रिमेम्बर? कम ऑन गाइस, सब ब्रेकिंग पॉइंट्स. हां, बॉन्ड ब्रेक होता है, उसके बाद क्या बनता है, कार्बोकेटाइन्स, कार्बोनाइन्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, है ना, कार्बोकेटायन्स, कार्बोनाइन्स, उसी में आ जाते हैं सर फ्री रेडिकल्स, ठीक है, ये सब बनते हैं. सो वो लोग हमें डिसाइड करके बताएंगे कि कहां पर मैकेनिज्म से पता चलता है कि आपका कौन सा रिएजेंट वहां पर सुटेबल है, ठीक है. तो सब कुछ कनेक्टेड है. चलो तो यहां पर देखिए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो मैं आपने लिख दिया ROH, ये ROH जो है तीन प्रकार का हो सकता है अल्कोहल, क्या क्या हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है. हमने तो लिख दिया अल्कोहल, लेकिन किस प्रकार का अल्कोहल हमें भी पता नहीं, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है. बट जैसे रिएक्शन हो रहा है आपको थोड़ा सा मन में आइडिया आ रहा होगा कि इसके अंदर हुआ क्या है, आपको ये भी थोड़ा आइडिया आएगा कि पानी निकल गया मीन्स वॉट, ऑब्वियसली इसका OH एंड इसका H मिलके निकल गए हैं यहां से. सो यहां से निकल गए इन द सेंस आप इसको एज्यूम कर सकते हो कि OH जब निकलता है तो 1 माइनस के रूप में निकलता है, जब निकलता है तो 1 प्लस के रूप में निकलता है. 1 माइनस के रूप में निकल गया मींस व्हाट, R यहां पर बन गया होगा प्लस, यहां पर X बन गया होगा 1 माइनस, है ना. सो R अगर प्लस बन गया, R प्लस बनना मींस व्हाट, यहां पर एक कार्बन होगा जो C O के साथ बॉन्ड बना के बैठा होगा. R मतलब कौन है, एक अल्काइल ग्रुप. R मतलब कौन है, एक अल्काइल ग्रुप. तो अल्काइल ग्रुप जो है उसमें कार्बन रहेगा जो O के साथ बॉन्ड बना के बैठा होगा. तो यहां पर किस प्रकार का कार्बन, किस प्रकार का अल्काइल कार्बन, अल्काइल ग्रुप होने पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगा वो मैटर करेगा, क्योंकि आपको यहां से थोड़ा आइडिया आ गया कि R के ऊपर प्लस बन रहा है. R मतलब कार्बन है, कार्बन के ऊपर प्लस बन रहा है, कार्बन के ऊपर प्लस बन रहा है मींस व्हाट, यहां पर आपका कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है. कार्बोकैटायन इज नथिंग बट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन. तो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, तो कार्बोकैटायन जब फॉर्म हो रहा है तो हमें दिमाग में ये सोच लेना चाहिए
कि किस प्रकार का अल्कोहल होने पर कार्बोकेटन जो बन रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल बने, सबसे ज्यादा स्टेबल बने, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है ना थोड़ा स्टेबल रहना चाहिए, है ना, तब जाके जल्दी बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट, है ना। ना अभी देखिए आपको क्या लगता है, तीन प्रकार का अल्कोहल है, इसका डिस्कशन कर रहे हैं डिटेल में, तीन प्रकार का अल्कोहल है ना। सबसे छोटा वाला अल्कोहल है जिसको हम लोग कंसर्न नहीं करेंगे यहाँ पर, CH3OH, है ना, उससे थोड़ा बड़ा CH3CH2OH। ये किस प्रकार का अल्कोहल है देखिए, CH3CH3OH, यहाँ पर H लगा है, 1 2 3 4, और लास्ट वाला है CH3CCH3CH3, नीचे CH3 and this is OH, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल है, कार्बोकेटन बनेगा तो बनेगा, ठीक है, बना डालो सबको, सब लोग ले लो, सबको ले लो, और ये भी प्लस बनेगा, अगर यहाँ टूटा तो ये प्लस बनेगा, ये सब तो माइनस है, OH वन माइनस है सब, इसका टेंशन नहीं है, तो कार्बन का टेंशन है, OH वन माइनस CC प्लस। तो देखिए ये भी कार्बोकेटन है, ये भी कार्बोकेटन है, ये भी कार्बोकेटन है, ये भी कार्बोकेटन, बट साथ ऑफ कार्बोकेटन में डिफरेंस है। ये किस प्रकार का कार्बोकेटन है आपका, 3 डिग्री कार्बोकेटन, या तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी कार्बोकेटन। तो टर्शियरी कार्बोकेटन जो है ना सबसे सबसे स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होता है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर देखा जाए कौन ज्यादा होता है, 3 to 1, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, एंड लास्ट में आएगा आपका CH3, लास्ट ये वाला, ठीक है। रीजन CH3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर, उसके पास सर एक सी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, बस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो इसका स्टेबिलिटी में अलग अलग फॉर्मेट में आपको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्या क्या। पहला फॉर्मेट है आप जो बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सी के पास बेचारा भी सी भिखारी बन गया है, इलेक्ट्रॉन कोई ले लिया है इसका, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो साइड में इतने लोग हैं देने वाले, हेल्प करने वाले हैं, है ना। तो इतने लोग जब हेल्प करेंगे तो सी वापस अपना स्टेट में फिर वापस आ सकता, दैट मींस व्हाट, सी का स्टेबिलिटी है। तो सी का स्टेबिलिटी है थ्रू प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं प्लस आई ग्रुप्स, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, इंडक्ट कर रहे हैं वो लोग इलेक्ट्रॉन अपने से सी प्लस को, इसके थ्रू से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा क्या है जी, आर इफेक्ट सर, आर यहाँ पर नहीं होगा, रेजोनेंस थोड़ी ना है यहाँ पर, आर मीन्स रेजोनेंस, रेजोनेंस यहाँ पर नहीं है। रेजोनेंस होने के लिए कंडीशन क्या है, कॉन्जुगेशन चाहिए आपको, कॉन्जुगेशन मीन्स अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट लोन पेयर, मेसोमेरिक सर, मेसोमेरिक, नहीं 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 कुछ भी मत बोलो यार, इंडक्टिव दिखा दो, रेजोनेंस बोलोगे, मेसोमेरिक बोलोगे, मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस बोथ आर सेम, ठीक है। मेसोमेरिक स्ट्रेट चेन में अगर आता है तो उसको मेसोमेरिक बोलते हैं, रिंग में अगर कॉन्जुगेशन आता है तो उसको रेजोनेंस बोलते हैं, बस। और एक है हाइपर कॉन्जुगेशन, और एक है हाइपर कॉन्जुगेशन, याद रखिए। तो टर्शियरी कार्बोकेटन का स्टेबिलिटी हम लोग दो तरीका से बता सकते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन गाइस, बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है। देखो मतलब हम लोग 11 क्लास के बेसिक्स में जा रहे हैं इसको समझने के लिए, अभी तब से आपको बोल रहा था, है ना, देखो ना अभी ये सब एप्लीकेशन है, सीधा एप्लीकेशन है, देखो कोई बात नहीं, एक बार मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम पूछूंगा डियर सीधा, आप मुझे बताओगे, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है, देखिए ये तो ऐसा स्टेबलाइज हो गया, टर्शियरी ज्यादा डोनेटिंग है इसमें, सेकेंडरी में 2 लोग डोनेट करेंगे, प्राइमरी में 1 लोग डोनेट करेगा साइड में, इसलिए वो लोग कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। और यहां पर देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है ना, इसका मैकेनिज्म समझाता हूं, क्या होता है, सपोज CH3 ऐसा है, CH3 और यहां पर प्लस चार्ज, प्लस चार्ज का मतलब क्या है कि कार्बन का एक ऑर्बिटल खाली हो गया इलेक्ट्रॉन देके, तो कार्बन का यहाँ पर जो ऑर्बिटल है वो फ्री है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन, फ्री है पूरा। तो साइड वाला कार्बन का जो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सब साइड में है, ऊपर में भी है नीचे में भी है,
तो बिकॉज ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कार्बन बोलेगा भाई आप लोग थोड़ा हेल्प करो मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तो ये लोग बोलेंगे हम तो अपना चार इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं बॉन्डिंग में, है ना, और तुम्हें कहाँ से देंगे इलेक्ट्रॉन, तो बोलेगा मुझे कैसे भी आप लोग देना ही है, आप लोग मेरे दोस्त हो मुझे हेल्प करना ही है, तो बोलेगा ठीक है भाई ऐसा तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है ना, तो मैं तुम्हें दूंगा इलेक्ट्रॉन बट किससे लेके दूंगा, हाइड्रोजन से लेके दूंगा, तो हाइड्रोजन बोलेगा कार्बन बोलेगा हाइड्रोजन भाई तुम्हारा टाइम हो गया तो निकल यहाँ से, तो इसको निकाल सकता है बाहर, इसको निकाल सकता है बाहर या इसको निकाल सकता है, तीन जन को निकाल सकता है, भाई बिकॉज तीनों एक जैसे ही है तीनों को निकाल सकते हैं, अगर मान लो ऊपर वाला का निकाल गया कैसे निकालेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यहाँ से और उसको निकाल देगा, है ना, एच प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा सी माइनस, ये बन जाएगा सी माइनस, जब ये सी माइनस बन जाएगा इसका मतलब क्या है ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ गया है इसके, तो इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, इलेक्ट्रॉन इसलिए लिया क्यों वो क्या कर सकता है इस तरफ ट्रांसफर कर सकता है, है ना, तो ये माइनस वाला चार्ज है प्लस की तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन, तो अल्टीमेटली यहां पर क्या हो गया है एच प्लस को छोड़ के ना उसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, क्यों इसको हेल्प करने के लिए, तो ये जो हाइड्रोजन जो छोड़ के जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और ये जो कार्बन है जो सी प्लस के साइड में लगा रहता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन ऐसे कितने हैं इसमें, एक दो तीन, अब देखिए टर्शियरी में जो तीन साइड से लगे हुए हैं आप देखिए टोटल तीन अल्फा कार्बन, तीन अल्फा कार्बन मतलब हर एक अल्फा कार्बन पे तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल नौ अल्फा हाइड्रोजन, टोटल नौ अल्फा हाइड्रोजन, तो नाइन अल्फा हाइड्रोजन मींस व्हाट, मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द टेंडेंसी टू गेट दिस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो कम हो गया ना ज्यादा चांसेस है ना, इसलिए टर्शियरी में क्या होता है तीन कार्बन साइड पे लगने की वजह से तीनों हेल्प करने के लिए ट्राई करेंगे, तीनों जब हेल्प करने के लिए ट्राई करेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, एंड ये जो फिनोमिना है साइड में जो आपके अल्काइल ग्रुप्स इसको हेल्प कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, हाइड्रोजन से लेके इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हेल्प कर रहे हैं, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं ये प्रोसेस, ठीक है, सो बस तो ये टर्शियरी में क्या है ना सबसे ज्यादा होता है, नाउ यहां पर आ जाइए हमारा पॉइंट यहां पर, सो हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा याद रखो हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट के थ्रू से आप क्या कर सकते हो टर्शियरी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी को प्रूव कर सकते हो, आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन दो प्रकार से, मतलब पॉइंट इज हमारे पास वन डिग्री है टू डिग्री है थ्री डिग्री, आपको पता चल रहा है अंदर में क्या हो रहा है कार्बोकैटायन बन रहा है, तो आप मुझे बताओ ये तीनों अल्कोहल में से है ना कौन सा अल्कोहल फास्ट रिएक्शन देगा, वन डिग्री सर, कौन सा अल्कोहल फास्ट रिएक्शन देगा, थ्री डिग्री, वन डिग्री, थ्री डिग्री सर, और आर के ऊपर प्लस आ जाएगा, आर के ऊपर प्लस मतलब सी के ऊपर प्लस आना, तो ये बॉन्ड कब जल्दी टूटेगा, जब यहाँ पर जो कार्बोकैटम का बन रहा है कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल होने पर किस कम स्टेबल होने पर, स्टेबल ज्यादा स्टेबल होने पर कि कम स्टेबल होने पर जल्दी टूटेगा, ये कम स्टेबल सर, कम स्टेबल होने पर, अगर कम स्टेबल होने पर टूटेगा तो टूटेगा ही क्यों, अगर आप बोलोगे सर बॉन्ड टूटने के बाद स्टेबिलिटी कम हो जा रहा है तो टूटेगा क्यों सर, ROH से ज्यादा स्टेबल ही होगा वो इसलिए बनेगा, ROH से ROH से ज्यादा स्टेबल होगा सर जो भी कार्बोकैटायन बनेगा, देखो हम क्या कर रहे हैं कार्बोकैटायन को कंपेयर कर रहे हैं भाई साहब, दिमाग लगाओ थोड़ा, आप लोग उल्टा समझ रहे हो सब, हाँ कुछ लोग सीधा समझ रहे हैं कुछ लोग उल्टा समझ रहे हो, देखो यहाँ पर ये ऐसा है ठीक है, डिटेल में लिख रहा हूँ, देखो CH3CH CH3OH कंपेयर कर रहे हो आप लोग, वन डिग्री टू डिग्री एंड थ्री डिग्री, ये थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री देख रहा हूँ, CH3CH2OH ठीक है, सो ये थ्री डिग्री ये टू डिग्री
एंड ये 1 डिग्री। अभी बताओ ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, के बॉन्ड जल्दी टूटेगा, के बॉन्ड जल्दी टूटेगा। अरे भाई ये टूटेगा तो क्या बन रहा है, प्राइमरी कार्बोकैटन बन रहा है। ये टूट रहा है तो 2 डिग्री कार्बोकैटन बन रहा है, ये टूट रहा है तो 3 डिग्री कार्बोकैटन बन रहा है। तो तीनों में से क्या बनेगा जल्दी, जो स्टेबल है वो जल्दी बनेगा ना। यस सर। कौन है ये वाला ना, CH3O3C+ है कि नहीं, सबसे स्टेबल है तो ये जल्दी बनेगा है। ये क्यों जल्दी बनेगा भाई, ये तो अनस्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है, इससे कंपेयर करेंगे तो कम स्टेबल है। अगर कम स्टेबल है तो जल्दी तोड़ने के लिए नहीं रहेगा, वो तोड़ने के लिए रेडी नहीं रहेगा। उसको पता चल जाएगा अगर मैं टूटूंगा ना, मैं ज्यादा स्टेबल नहीं बन पा रहा हूँ इसके जैसे, ये टूट के ज्यादा स्टेबल हो पा रहा है, मैं टूट के ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाऊंगा, मैं तोड़ूंगा क्यों, मैं ऐसे रखूंगा अपना बॉन्ड को, ये बोलेगा नीचे वाला, मैं ऐसे रखूंगा अपना बॉन्ड को। अगर वैसे रखेगा तो रिएक्शन होगा ही नहीं भाई, रिएक्शन होने के लिए तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, समझ जाओ। तो ये बोलेगा मैं तोड़ूंगा नहीं अपना बॉन्ड को, व्हाई, बिकॉज अगर मैं बॉन्ड तोड़ा तो मैं प्राइमरी कार्बोकैटन बनूंगा एंड मेरे पहले से साइड में कोई नहीं है हेल्प करने वाले, साइड में कोई भी नहीं है हेल्प करने के लिए, अकेला एक जन बैठा है क्या करेगा। इधर देखो हेल्प करने के लिए 3 जन है, इधर देखो साइड में हेल्प करने के लिए 3 जन है। अगर ये प्लस ही बन जाएगा सब लोग क्या करेंगे, हेल्प कर देंगे इसको, इसको तो हेल्प करने वाला कोई नहीं है तो ये तोड़ेगा नहीं बॉन्ड। उस लॉजिक के हिसाब से देखो तो 3 डिग्री जल्दी टूटेगा। तो यहाँ पर मैं गारंटी देकर लिख सकता हूँ कि आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1। बस हो गया काम। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि 3 अल्कोहल दिया रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल गिव दिस रिएक्शन फास्टेस्ट। तो फास्टेस्ट रिएक्शन किसने देगा, सो सीधा आप क्या कर सकते हो, 3 डिग्री को चेक कर सकते हो। तो ये पता कैसे चला 3 डिग्री, फ्रॉम द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ये पता चल रहा है कि यहाँ पर कार्बोकैटन बन रहा है, कार्बोकैटन सबसे ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री, इसलिए आपका 3 डिग्री का जल्दी टूटेगा एंड उसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं, थोड़ा फिर से बताएं, कनेक्ट हो गया था कहां पर रह गया था तुम्हारा, रिएक्टिविटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि ये बॉन्ड अगर टूट गया तो उसको पता है कि साइड में मेरे दोस्त लोग हैं, वो क्या करेंगे, इसको हेल्प करेंगे, उसका टेंशन नहीं है तो जल्दी टूट जाएगा। अब तू जाना, वो इसको बोलेगा तू जाना भाई, मेरे साइड में और भी दोस्त लोग हैं, वो लोग मुझे हेल्प करेंगे, छोड़ देगा इसको जल्दी। और यहाँ पर देखो नीचे वाला, देखो ये छोड़ेगा नहीं, अरे भाई तू रहना मेरे पास, साइड में मेरा एक ही दोस्त है, तू छोड़ के चली जाएगा तो ये तो मुझे अकेले हेल्प नहीं कर सकता, तू रहना, तो ये बॉन्ड है टूटेगा नहीं, इसलिए 1 डिग्री का रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे लास्ट है। बॉन्ड नहीं टूटा मीन्स व्हाट, रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। या सो यहाँ पर एक चीज लिखिए, अगर ये रिएक्शन लिख दिया आप लोग, नोट देके लिखिए, नोट। मैं आपको जैसे बता रहा था ना कि यहाँ पर जो है सारे के साथ रिएक्शन किया गया था, लेकिन HCl का अच्छा प्रोडक्ट निकल रहा था, तो अच्छा प्रोडक्ट भी निकल रहा है प्लस और एक फायदा भी है, फायदा के बारे में बता रहा हूँ नोट में। HCl प्लस NH2, ये ZnCl जो है ना NH2 फॉर्म में अगर रहेगा, NH2 मतलब जिसमें पानी नहीं है, HCl प्लस NH2 ZnCl2 को, ये कॉम्बिनेशन को, X की जगह में Cl रहेगा और यहाँ पर Cl2 रहेगा, ZnCl2, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्यार से ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्या क्या था, HCl को पास किया था NH2 ZnCl2, सॉरी HCl प्लस NH2 ZnCl2 को पास किया था, ल्यूकास रिएजेंट को पास किया था थ्रू अल्कोहल, 3 अलग अलग प्रकार का अल्कोहल। तो उन्होंने देखा कि 3 डिग्री अल्कोहल जो है, 3 डिग्री अल्कोहल जो है ना, वो फटाफट क्या करता है, यहाँ पर आपका क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बताओ, अगर HCl है तो व्हाट इज द प्रोडक्ट्स, R OH plus HCl को एक Cl रिप्लेस कर देगा और वाटर। तो ये क्या होगा आपका ROH plus HCl, ये हो जाएगा RCl
प्लस एच टू है ना। तो ये आर सी एल जो बन रहा था पानी में है ना, यहाँ पर क्या होता है ना, इसका नेचर टर्बिड नेचर होता है। टर्बिड समझते हो, टर्बिडिटी बोलते हैं कभी कभी। नहीं, पखाल पखाल खाया हो ना, पखाल खाते हो, ओडिशा फेमस, जगन्नाथ जी खाते हैं। हाँ, तो पखाल जब ज्यादा दिन तक रह जाता है ना, आई मीन राइस रह जाता है ना, तो उसमें क्या होता है ना, आपको व्हाइट कलर का थिक लेयर दिखाई देता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? अगर ज्यादा दिन रहता है खट्टा भी बढ़ जाता है और थिक बन जाता है ना, उसको आप मिला होगा ना, मतलब हाथ मार के ये करोगे ना, देन वो पूरा मिल जाता है ना। वो जो वहां पर जो नेचर बनता है ना मोटे लेयर का पूरा व्हाइट कलर का, उसको हम टर्बिडिटी बोलते हैं। तो ये टर्बिडिटी जो है ना, टर्बिडिटी जो होता है ना, अगर आप यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल लिए हो है ना, विद इन मिनट्स आ जाएंगे, विद इन सेकेंड्स बन जाएगा टर्बिडिटी। ये जो टर्बिडिटी, टर्बिडिटी बन रहा है इसके वजह से, इन दोनों का मिक्सचर के वजह से है ना। ये बन जाएगा कब, टर्शियरी अगर लिए हो, यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ, अगर टर्शियरी अल्कोहल अगर ले रहे हो, उन्होंने देखे ऑब्जर्वेशन में कि वो बहुत जल्दी बन रहे हैं रूम टेम्परेचर में विद इन सेकेंड्स बन रहा है। क्या टर्बिडिटी? वो ये भी ऑब्जर्व किए सेकेंडरी अल्कोहल जब लिया गया था इस केस में, तो वो देखे कि सब मिनट्स लग रहे थे उसको टर्बिडिटी को फॉर्म करने के लिए, सम मिनट्स। एंड जब प्राइमरी अल्कोहल को लिया गया था तो नो टर्बिडिटी फॉर्मेशन और नो फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी, टर्बिडिटी फॉर्म ही नहीं हो रहा था। तो कुछ कुछ बुक्स में लिखा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर टर्बिडिटी दिखाते हैं, कुछ कुछ बुक्स में लिखा जाता है टर्बिडिटी फॉर्म्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या है, समझ जाओ इसका मतलब क्या है, रिलेट करो। अभी हमने डिस्कस किया था ना, क्या मतलब है जी इसका, नोट में सब लिखिएगा, पहले लिख लीजिए और उसको थोड़ा सोचिए। देखो मैं अभी पूरा की पूरा इनडायरेक्टली रहूंगा, मैं डायरेक्टली कुछ नहीं बताऊंगा अभी। अगर मैं डायरेक्टली सब कुछ बताने जाऊंगा ना, एग्जाम में बिलीव मी एक भी थॉट नहीं आएगा आपको, एक भी थॉट नहीं आएगा। सो आई विल बी अप टू, आपके हिसाब से समझ नहीं आता ना वो डायरेक्ट है, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी। चलो आप सोच लो अभी, ये 3 डिग्री वाला रूम टेम्परेचर में ही हो गया, टर्बिडिटी निकल गया उसका, 1 डिग्री का हो नहीं रहा है, क्या रीजन है? सर रिएक्ट नहीं कर रहा वो तो, सर उसका बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर से बॉन्ड टूट जाएगा सर उसका 1 डिग्री का। तो 3 डिग्री वाला जल्दी क्यों दे रहा है, क्योंकि आपको अभी हमने देखा था रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था, 3-2-1। सो देखा था ना 3-2-1 ऑर्डर था आपका, तो 3-2-1 ऑर्डर देखा था, दैट मींस 3 डिग्री अल्कोहल फटाफट रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन यहां पर बनने वाला है वो ज्यादा स्टेबल है ना, बिकॉज ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से बन रहा है। समझ जाओ कि 3 डिग्री वाला सबसे जल्दी होगा, विद इन सेकंड्स बन जा रहा है उसका। ये टेस्ट एंड डिटरमिनेशन डिस्टिंक्शन वाला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें स्टार मार्क दे देना। पहला रिएक्शन जो आपको दिखा था प्रिपरेशन में आपका ये टेस्ट निकला, बाकी सब बहुत इजी है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे चलेंगे सेकेंड रिएक्शन में चलते हैं। आर ओ एच प्लस एन ए बी आर प्लस H2SO4। ठीक है, सो क्या होगा जी, NaBr प्लस H2SO4 क्या है ना, एक प्रकार का ब्रोमिनेटिंग एजेंट है,
ब्रोमिनेटिंग एजेंट। तो ब्रोमिनेटिंग एजेंट का काम क्या होता है, क्या काम होता है? क्योंकि Na इसके साथ रिएक्ट करेगा प्लस और क्या एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, वाटर। हो गया थर्ड ROH प्लस पी सर। उधर NaHSO4 के फॉर्म में NaHSO4 के फॉर्म में वो प्रॉपर्ली ये नहीं हुआ है, लाइक दिस इज जस्ट रिएक्टिंग, दिस इज जस्ट रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन, इसलिए ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस से बिहेव करता तो शायद इसका दोनों के दोनों हाइड्रोजन को हटाता पूरा सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस से बिहेव नहीं कर रहा है इसलिए, समझ रहे हो ना। हमने इनऑर्गेनिक में भी देखा था कि अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस से बिहेव करेगा तब दोनों को हटा सकता है, नहीं तो नहीं हटा सकता। तो समझ जाओ बाय नेचर वी आर डिडक्टिंग फ्रॉम द रिएक्शन, है ना, कि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस से बिहेव नहीं कर रहा है, बस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसलिए आप एक एसिडिक सॉल्ट बन जा रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन रैंक। चलो इधर देखो ये क्या होगा सर, ये क्लोरिनेटिंग एजेंट है ना, क्लोरिनेटिंग। हाँ सर, पी ब्लॉक रिएक्शन में देखे थे ना इसको, दोनों को देखे थे, PCl3 PCl5 दोनों थे उसमें, ये भी हमने रिएक्शन देखा था ऊपर वाला भी, देखो रिलेटेड है सब, दिस टू वेर क्लोरिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। तो क्या करेंगे ये लोग को RCl बना डालेंगे, बाकी साइड प्रोडक्ट्स निकलेंगे, साइड प्रोडक्ट्स खुद से लिखो। पी ब्लॉक का रिएक्शन सब याद हुआ सबको, लिस्ट बनाए कि नहीं बनाए? वैसे मत बोलो यार, क्या कर रहा है तू, स्टूडेंट के लाइफ में क्या करोगे बोलो, ये अगर होमवर्क याद नहीं रख पा रहा है तो क्या करेगा तू? नहीं सर लिस्ट का नहीं, लिस्ट हो गया सर, लिस्ट बन गया, भेजे नहीं कोई DAV से, किसी का भी नहीं आया है तेरा, बोले फ्राइडे बेस में तो अभी बिफोर फ्राइडे बोला था सर, मैं रात को भेजा था सर, फ्राइडे नहीं फ्राइडे ही हो गया था सर, तो चलेगा यार, मेरा टाइमिंग सुबह से शुरू होता है, टेंशन मत ले, ठीक है, सुबह 4 बजे से मेरा दिन शुरू होता है अकॉर्डिंग टू आवर कैलेंडर। बाकी लोग क्या कर रहे हो? हो गया सर, और कल तो एक्सट्रीम हो गया, 8 बजे टेस्ट से 7 को बोलता है कि मैथ क्लास है, आदि भाई यार 1 मिनट के पहले बोलोगे तो मैं क्या शिफ्ट करूंगा, कर पाऊंगा मैं? आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। 1 वीक से पहले बोला गया था सर को, बोलना चाहिए था मुझे, पहले बोलना चाहिए था, कल एटलीस्ट बोल देना चाहिए था सर हमारा 8 बजे क्लास होता है आप चेंज कर दीजिए, मैं कर देता, 1 मिनट पहले बोलेंगे तो कैसे होगा जी। ठीक है चलो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे जी, साइड प्रोडक्ट्स PCl3 में क्या बनेगा, H3PO3, और इसमें क्या बनेगा, POCl3 प्लस HCl। देखिए और एक फायदा क्या है ना ऑर्गेनिक में, आपको माइनर प्रोडक्ट्स को याद नहीं रखने पर भी चलेगा, चलेगा पूरा एंट्रेंस में, आई मीन बोर्ड में तो ये सब क्वेश्चंस नहीं आते जनरली, बोर्ड में भी ये सब डायरेक्टली कभी रिएक्शन नहीं आता है, बोर्ड में आपको क्या कन्वर्शन दिया जाता है, सो ये माइनर का काम नहीं है, तो टेंशन नहीं है ज्यादा, तो सबसे मेजरली आपको इसको याद रखना, ये याद हो जाएगा जब आप ये पता चल गया कि ये दोनों क्लोरिनेटिंग एजेंट है, तो ऑब्वियसली याद हो जाएगा। प्लस दूसरा फायदा ये है ऑर्गेनिक में कि आपको बैलेंस करना नहीं है रिएक्शन, रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है। क्यों नहीं करते हैं ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग, क्या रीजन है? और भी बहुत सारा प्रोडक्ट रहता है ना, हाँ इसमें क्या होता है ना, एक मेजर प्रोडक्ट होता है और एक माइनर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट कुछ परसेंटेज में निकलता है, माइनर प्रोडक्ट कुछ परसेंटेज में निकलता है, तो मेजर प्रोडक्ट कभी कभी ज्यादा होता है, माइनर प्रोडक्ट कभी कभी कम होता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है ना एक एग्रीमेंट, वो जो हमें पता नहीं कुछ रेशियो में निकलता है,
तो देयरफॉर हम लोग इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स का कोई पता ही नहीं है यहाँ पर. मेजर पार्ट माइनर पार्ट मतलब क्या है, लाइक मान लो आपने 10 मोल का लिया था रिएक्टेंट, 10 मोल का रिएक्टेंट लिया था, उसमें से 7 मोल का रिएक्शन हुआ क्योंकि सबका रिएक्शन कभी भी नहीं होता है. 7 मोल का रिएक्शन में आपका मान लो 5 मोल का मेजर पार्ट एंड 2 मोल का माइनर पार्ट निकला है, तो बैलेंस कैसे करोगे? खुद को आपको पता नहीं कि 10 मोल में से 7 मोल रिएक्ट किया है करके, वी डोंट हैव दैट आइडिया कि अंदर में क्या हो रहा है. बट हमें इतना पता चल रहा है कि मेजर पार्ट है तो हम लोग उसको ले लेते हैं, माइनर पार्ट को छोड़ देते हैं, टेंशन ही नहीं है उसको. अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स में ये पता है कि पूरा के पूरा रिएक्शन जनरली नहीं होता है. ऑर्गेनिक में रिएक्शन बहुत कम होते हैं, आई मीन सबको मॉलिक्यूल स्पेशल नहीं होता है. यू नो द व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है जी, क्या रीजन है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिएक्शन स्लो भी होते हैं और कम भी होते हैं. काइनेटिक्स अप्लाई करो, क्या रीजन है? कार्बन का कुछ प्रॉब्लम है क्या? कोई तो बताओ यार, काइनेटिक्स चैप्टर हो गया, इतना पढ़े, क्या क्या थ्योरी पढ़े, आर्मियस थ्योरी, वो क्या कोलिजन थ्योरी, आर्मियस थ्योरी का कोलिजन होते हैं, उसके बाद प्रॉपर कोलिजन होना चाहिए, उन लोगों के बीच में ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए. ऑर्गेनिक का हमने दो प्रकार का रिएक्शन देखा था, फास्ट रिएक्शन स्लो रिएक्शन आपको बताया था. आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट बिकॉज उसमें क्या होता है, प्लस माइनस चार्जेस बहुत जल्दी क्रिएट होते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्शन होता है प्लस माइनस के बीच में. और ये लोग क्या है, सबके सब प्लस माइनस सब बीच में बनता है, इंटरमीडिएट है. अगर ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये सब आपके क्या है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, दीज आर नॉट आयनिक रिएक्शन, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं. तो मॉलिक्यूल्स उनके बीच में जल्दी रिएक्शन नहीं होता है, रिएक्शन हो भी जाएगा तो उनके बीच में ट्रांजेक्शन जो है प्लस माइनस जो है, जैसे अट्रैक्शन हो रहा था आयनिक में, इसमें जल्दी नहीं होता बिकॉज सबके सब शेयर करके बैठे रहते हैं इलेक्ट्रॉन. तो जब टकराते हैं, टकराने के बाद है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कुछ भी नहीं होता है उसमें, जिस कारण यहाँ पर थोड़ा स्लो है. चलो इसलिए क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट को ज्यादा फोकस करो, माइनर प्रोडक्ट को भूल जाओ. कम टू द फिफ्थ रिएक्शन, फिफ्थ रिएक्शन में देखो हम लोग लेंगे रेड फॉस्फरस. दो प्रकार के फॉस्फरस है ना, क्या क्या, कम ऑन गाइस, रेड और व्हाइट, रेड एंड व्हाइट, ठीक है. तो उसमें से हम लोग रेड फॉस्फरस को ले रहे हैं एंड एक्स की जगह में ब्रोमीन एंड आयोडीन रहता है. व्हाई? व्हाई? बिकॉज रेड फॉस्फरस इन दोनों के साथ ही रिएक्ट कर सकता है ना, एफ एंड सेल के साथ रिएक्ट नहीं करता है. और इसको सीधा बना डालेगा RX. एंड सबसे बेस्ट प्रिपरेशन माना जाता है इसको लास्ट वाला, जहां पर हमने थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 को यूज करते हैं. ये भी एक क्लोरिनेटिंग एजेंट है. तो आपको बाद में लिस्ट बनाना है जी, इसका जैसे ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक का जैसे लिस्ट बनाए है, हाँ इसका भी आपको ऐसे लिस्ट बनाना है कि कौन कौन किस प्रकार का रिएजेंट है. ये भी आपका क्लोरिनेटिंग एजेंट है, ठीक है. एंड दिस रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट रिएक्शन. व्हाई? व्हाई? बिकॉज़ आर सेल के साथ साथ आपको क्या क्या मिलेगा, और SO2 मिलेगा और HCl मिलेगा, ठीक है. SO2 एंड HCl दोनों गैस जैसे निकलेंगे, गायब हो जाएंगे यहाँ से, और बचेगा आपका बस RCl, है ना. जनरली क्या होता है, प्रोडक्ट जब बनता है ना, उसमें हमें RCl ही चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए, इन दोनों को अलग से सेपरेट करना पड़ता अगर ये लोग गैस नहीं होते. बट ये लोग वापस आराम से निकल जाएंगे गैस के रूप में, जिस कारण सॉल्यूशन में खाली ये बच जाएगा, हमें प्रोडक्ट में खाली ये बच जाएगा, है ना. सो देयरफॉर दिस इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट रिएक्शन, बेस्ट रिएक्शन, याद रखिए, ठीक है, टेंशन नहीं है जाते इसका. सो होप आप रिएक्शन लिखते लिखते आप ये भी लिखियो कि रिएक्शन को कैसे याद रखना है, हिंट के साथ लिखियो. इनऑर्गेनिक में सी ब्लॉक का कि नहीं लिखे हो, खाली रिएक्शन लिख दिए? लिखे हैं सर, लिखे हैं ना. रिएक्शन तो ऐसे बुक में भी है भाई, क्या बड़ा बात है उसमें, ठीक है. नहीं लिखे हो तो लिख लेना, आज 12 बजे के पहले भेजो एटलीस्ट.
भाई केमिस्ट्री में सबसे कम होमवर्क देता हूँ, वो भी नहीं करोगे ना तो होमवर्क बढ़ाना पड़ेगा। चलो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन। सबसे बेस्ट प्रिपरेशन है लास्ट वाला बाय पासिंग थ्रू फाइनल क्लोराइड। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन हमने एक देखा सबसे इम्पोर्टेंट ल्यूकास टेस्ट एंड ये आपका प्रिपरेशन विद थायमिनाइल क्लोराइड जो कि हम लोग बेस्ट प्रिपरेशन मानते हैं। ठीक है, और आयोडीन को प्रोड्यूस करने वाले हैं ना, अल्कल हैलाइड को प्रोड्यूस, अल्कल हैलाइड में आपका अल्कल आयोडाइड को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे कि लिख लेना उसको, और एनसीईआरटी में ज्यादा मेंशन नहीं किया रिएक्शन को, नीचे ठीक है ये क्या करेगा इसको आयोडिनेट कर डालेगा। आर आई यस सर अटक गया था सर, अब तो दोबारा बताइए सर। हाँ सर कब से चला गया था। हाँ सर ये अल्कोहल है, अल्कोहल को हम पास कर रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड या तो सोडियम आयोडाइड से, तो पोटेशियम या सोडियम आयोडाइड आपका हाईली रिएक्टिव आयोडाइड होते हैं बिकॉज वे ग्रुप वन के हैं, है ना। ये क्या करेंगे ये OS को हटाएंगे, हटा के उसके जगह में आई को लगाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। ये भी चाहिए कैटलिस्ट से बिहेव करेगा, है ना, कैटलिस्ट तो नहीं रिएक्शन नहीं करेगा इसके साथ। तो ये क्यों लिए हैं क्योंकि इसको एक्टिवेट करवाने के लिए, ठीक है, ये जो इसके साथ रिएक्ट करेगा पोटेशियम, तो पोटेशियम अगर उसके साथ रिएक्ट करेगा तो आपको पता है पूरा तो रिएक्ट नहीं कर सकता है, बस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, जैसे हमने उधर भी देखा था NaHSO4 आ रहा था, वैसे ये भी क्या होगा KH2PO4 आएगा। ठीक है, प्लस और क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकला है ना तो CO2 वाटर भी निकलेगा। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि माइनर प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, अगर याद हो गया तो याद हो गया, नहीं तो भूल जाओ, बाद में मत बोलना सर माइनर प्रोडक्ट से याद नहीं हो रहा है। सो अल्काइल आयोडाइड को प्रोड्यूस करने का एक तरीका है, ठीक है, एंड यहाँ पर जो है आपका फॉस्फोरिक एसिड जो है वो 95% कॉन्सेंट्रेटेड, सोचो 95% कॉन्सेंट्रेटेड, बस हो गया, दिस इज द प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स। नेक्स्ट प्रिपरेशन में चलते हैं, प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, देखो सब कुछ अभी 11 का आने वाले हैं, आप मुझे बताओगे, बीच बीच में पूछूंगा, देखते हैं कितना याद रखे हो। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से बनाना है, हाइड्रोकार्बन में हम लोग पहले किसको लेंगे, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, तो ये हैलोजिनेशन कौन देगा, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन किसका नेचर है ये देना, जल्दी टाइम नहीं है हमारे पास, क्लोरीन हाँ अल्किन, हाइड्रोकार्बन चाहिए ना तो अल्किन चाहिए, है ना, अल्किन देता है क्या फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, अल्किन देता है, अल्किन अल्किन देता है सर, देखो हैलोजिनेशन मीन हैलोजिनेशन ऐड कर देगा सर। हां हैलोजिनेशन इज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन विद हाइड्रोजन, और सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन, है कि नहीं, देखा था आपने, हां सर हां सर हाँ 11th क्लास में एक रिएक्शन था CH4+Cl2 CH2 है ना, हाँ वैसे ही, तो CH4 का लिए थे हम लोग, यहाँ पर क्या कर रहे हैं थोड़ा बड़ा सा ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा सा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें समझ में आएगा क्लियरली कि हो क्या रहा है इधर, ठीक है। चलो ये क्या होगा जी, Cl2 को लीजिए फ्री रेडिकल करने के लिए, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए आपको सर, लाइट, लाइट यूवी लाइट, ठीक है, तो उसको फ्री रेडिकल मतलब एग्जैक्टली होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा, होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब क्या है ना, बीच में एग्जैक्टली तोड़ना, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। अगर अगर आप और कुछ रिएजेंट लोगे तो क्या होगा, बीच में टूटेगा नहीं, आगे जाकर देखेंगे क्या होगा।
तो बताओ ये सीएल जो बनेगा यहाँ पर, फ्री रेडिकल जो बन जाएगा वो जाके अटैक करेगा। अब तो यहाँ पर देखिए कौन सा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा वो मैटर करेगा। प्लॉट लिखने के लिए आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ पर अटैक करेगा, है ना। यहाँ पर तो फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल बन रहा है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको दो प्रकार के कार्बन मिलेंगे, एक दो तीन चार, है तो चार कार्बन, लेकिन टाइप्स ऑफ कार्बन अगर देखा जाए तो दो हैं। क्या क्या? एंड वाले एक प्रकार और बीच वाले सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप आपका एंड वाले, सेकेंड टाइप आपका बीच वाले। तो आपको क्या लगता है क्लोरीन जाके कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा? बीच में सर। देखो लेकिन मैकेनिज्म पे आ जाओ, मैकेनिज्म पे। यहाँ पर क्या बन गया? फ्री रेडिकल बन गया। ये जब फ्री रेडिकल बन गया ये क्या करेगा? इसको जाके डिस्टर्ब करेगा। जब इसको जाके डिस्टर्ब करेगा इसमें किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। एंड वाला कार्बन का हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है या तो बीच वाला कार्बन का हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। बट द पॉइंट इज किसी को रिप्लेस करने के पहले इसको क्या बनना पड़ेगा? इसको फ्री रेडिकल बनना पड़ेगा। इसको फ्री रेडिकल जब बनाओगे, ध्यान से देखो अब मैकेनिज्म पे जा रहे हैं। देखो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना ऑर्गेनिक, तो धीरे 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 जाएंगे बिकॉज हमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है ज्यादा। ठीक है, हैव पेशेंस। जिसको आता है बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आता है देख लीजिए क्या क्या पॉसिबिलिटी। देखिए अगर मैं एंड वाला हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल बनाया, CH2 ऐसा ऐसे इसको बॉन्ड को तोड़ दिया, बाकी जैसे था अगर वैसे ही रहे CH2 CH2 CH3, ये एक पॉसिबिलिटी है। और एक पॉसिबिलिटी क्या है? बीच वाला कहीं कार्बन को चुनूंगा, सेकेंड वाला कार्बन मान लो, ये हाइड्रोजन को तोड़ूंगा, ये बॉन्ड तोड़ूंगा, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अगर ये टूटेगा तो ये क्या बनेगा जी? यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा CH2 CH2 CH3। यहाँ पर क्या बनेगा? डॉट, फ्री रेडिकल। अगर बॉन्ड बीच में टूटा है ना इधर, ये क्या बनेगा? CH3 CH डॉट, ठीक है, CH2 CH3, ठीक है, बोथ आर पॉसिबल। बट अगेन ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो मैटर करेगा। अगर नीचे वाला बॉन्ड जल्दी टूट गया तो सीएल जाके यहां पर लग जाएगा। अगर यहां पर बॉन्ड टूट गया तो सीएल जाके यहां पर लग जाएगा, क्योंकि यहां पर फ्री रेडिकल है, सीएल यहां पर वेट कर रहा है। वंस सीएल टूट गया ना तो सीएल डॉट के रूप में वेट कर रहा है। ये तो कौन टूटेगा, मैं उसके ऊपर अटैक करूंगा। तो आप सोच के बताइए दोनों में से बॉन्ड कहां जल्दी टूटेगा? सेकंड वाले के नाम से, सेकंड वाला में। देखिए ये जो फ्री रेडिकल बन रहा है ना, ये किस प्रकार का फ्री रेडिकल है? सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और ये जो फ्री रेडिकल बन रहा है ना वो एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री। तो इसका भी क्या है ना, फ्री रेडिकल का ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था। क्या है जी? सेम एज द ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। क्या है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, लास्ट में छोटा वाला CH3 डॉट। ठीक है, हमेशा याद रखो ये आपका ऑर्डर है। ऐसे क्यों हुआ? लेकिन इसके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन है जी? सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल क्यों है? साइड में उसके, हाँ साइड से डोनेट करेंगे, दो जन डोनेट करेंगे साइड से। इधर देखिए दो जन डोनेट कर रहे हैं सेकेंडरी में, प्राइमरी में बस एक जन डोनेट कर रहे हैं। तो रीजन क्या है? रीजन क्या लिख सकता हूँ? ड्यू टू विच इफेक्ट? डोनेटिंग को क्या बोलते हैं? प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट। या ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ये रीजन होगा। तो उस लॉजिक के हिसाब से देखेंगे तो ये जीत जाएगा। दोनों होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, दोनों होंगे, बट मेजर वाला कौन होगा? 2 डिग्री वाला। मेजर वाला क्या होगा? 2 डिग्री। प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, यहाँ पर नाम बताओ, नाम प्रोडक्ट बनाओ और नाम भी बनाओ। CH3 CH Cl CH2 CH3 plus CH2 Cl CH2, 1 2 3 4 होंगे ये दोनों, देख लो सब।
होंगे दोनों, क्या और कुछ होंगे? और कुछ प्रोडक्ट इन दोनों को छोड़ के? HCl हाँ वो तो है जी, वो छोड़िए बताइए भी नहीं हमें, यही तो होगा, यही तो होगा, यही होगा सर। हाँ सर यही होगा। ये आपका क्या होगा मेजर, ये आपका होगा माइनर, ठीक है। रीजन साइड में है इसका मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट टाइम सर मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे, एक बार डिस्कस कर दिया अच्छा से याद हो गया और बस, क्योंकि एक एक रिएक्शन बहुत टाइम ले जाएगा ऐसे करते जाएंगे, चाहिए भी नहीं हर जगह। हो गया? यस सर। हाँ सर। अच्छा जिसका हो गया आप लोग इसका पार्ट निकालो, एक दे रहा हूं एग्जाम्पल इसे में CH3 CH2 tell me the products क्या क्या है। नाम बताइएगा ठीक है, नाम भी लिखना, एक आदत बनाओ प्रोडक्ट के साथ साथ अच्छा रहेगा। सर 2-chloro-2-methyl-butane क्या 2-chloro 2-methyl-butane तो उसके साथ जो माइनर बनेगा उसका भी बोलना है। सर उसमें 1-chloro-2-methyl chloro 2 methyl butane 1 chloro yes 2-chloro-3-methyl ये मेजर और एक माइनर है बस, हो गया। तो और एक सर एक और नहीं होगा यहाँ पे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों होंगे ना। होगा तो बताइए क्या होगा। 1-chloro-3-methyl 1-chloro-3-methyl की 2-chloro-3-methyl क्या बोल रहे हैं? 2-chloro-3-methyl 2-chloro दोनों होंगे 2-chloro-3-methyl ये भी मान रहे हैं। हाँ सर इतना ही होगा सर और एक बनेगा ठीक है, माइनस का तो कुछ काउंट अनलिमिटेड है ठीक है काफी है, चेक कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से जा सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं। ये तो लाइट दिख गया, यूवी लाइट दिख गया, मतलब ये ऑब्वियसली समझ जाओ कि यहाँ पर फ्री रेडिकल हैलोजनेशन होने वाला है एंड यहाँ पर फ्री रेडिकल बनने वाला है, ये फ्री रेडिकल जाके डिस्टर्ब करने वाला है, डिस्टर्ब करे जाएगा तो यहाँ पर कौन कौन हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हट सकता है, इसका हाइड्रोजन एंड वाला जिसको हम प्राइमरी मानते हो, ये दोनों एक जैसे ही है 1 डिग्री एंड ये अभी आपका क्या है 1 डिग्री और ये अगर बनेगा ये 2 डिग्री का है, अगर यहाँ पर होगा ये भी तो आपका 1 डिग्री है, 3 1 डिग्री के हैं, ये भी आपका 1 डिग्री का है। सो ये एक 2 डिग्री का कार्बन है और एक 3 डिग्री का कार्बन है, तो ये आपका 3 डिग्री का कार्बन है, तो 3 डिग्री का कार्बन से सबसे जल्दी होगा बिकॉज 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। उस लॉजिक के हिसाब से देखेंगे तो एक प्रोडक्ट है इसको मैं टच भी नहीं कर रहा, बस CH3CH को हटाइए Cl लगाइए और उसके ऊपर एक CH3 पहले से था CH2CH3 इसका नाम होगा 1-2-3-4 2-chloro-2-methyl-butane मेजर सही है।
माइनर में इसका नेक्स्ट माइनर लिखोगे, माइनर अगर लिखना चाहोगे उसका नेक्स्ट माइनर लिखोगे, नेक्स्ट माइनर है आपका इसको हटा के तो लिखोगे। तो इसको हटाना मीन्स वॉट, सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री और यहाँ पर सी एच, जिस चीज का नहीं हुआ देख लीजिए और क्यों नहीं हुआ वो भी देख लीजिए, नेक्स्ट टाइम नहीं होना हो जाना चाहिए, सी एच सी एल और यहाँ पर सी एस थ्री। नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से शुरू होगा, दोनों सेकंड सेकंड पोजीशन एक ही है सर। तो एक माइनर प्रोडक्ट लिखने चलेगा ना? बस उससे तो बोल रहा हूँ ना, नेक्स्ट माइनर, नेक्स्ट माइनर मतलब ये वाला 2 डिग्री पे सबसे दोनों। ओके सर। ये क्या है आपका क्लोरो, ये आपका क्या है मिथाइल है, दोनों साइड से देखोगे कौन जीतेगा, एस सी है और ये एम है, यहाँ ये जीतेगा क्लोरो जीतेगा। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये वाला होगा। सो दिस टू आर बेस्ट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट सर, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछेगा तो क्या लिखेंगे जी? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछेगा तो जितना पॉसिबल है उतना लिखेंगे। और कहाँ कहाँ पॉसिबल है देखिए, हमने कहाँ कहाँ निकाला, इधर का निकाला और इधर का निकाला, ठीक है। और इधर पे निकालने पर एक प्रोडक्ट निकलेगा, ये 1 डिग्री है सर, और वो सब्स्टिट्यूएंट वाला में और एक आएगा। बस देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 डिग्री तो 3 कार्बन है, 1 2 3, लेकिन इनमें भी डिफरेंस है कि नहीं? इनमें डिफरेंस क्या है जी, ये 1 डिग्री के साइड में CH2 लगा हुआ है और ये 1 डिग्री के साइड में CH लगा हुआ है। सो ये 1 डिग्री होने पर भी इन लोग के बीच में नेचर में डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि अगर ये लोग प्रोडक्ट भी देंगे ना, देंगे तो देंगे माइनर प्रोडक्ट, बट इसमें भी अलग अलग प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों का सेम प्रोडक्ट आएगा, मानते हो कि नहीं? हाँ सर। Why? Because CH3 के साइड में CH है, ये CH3 के साइड में भी CH है, आप टेस्ट कर सकते हो, सेम प्रोडक्ट आएंगे, इसका टेंशन नहीं है। तो ये दोनों का एक आएगा एक्स्ट्रा और इसका एक आएगा, तो टोटल 4 प्रोडक्ट आएंगे, 1 2, इन दोनों का 1 3 और इसका 1 4, ठीक है? Yes. Next. सर वैसे HCl भी बनेगा ना सर? एक तो HCl, हाँ तो बनेगा, वो भी बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल 10 पॉइंट से आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हु इज एन इलेक्ट्रोफाइल, आपको पता है? इलेक्ट्रोफाइल कौन है जी? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है ना। जनरली हम किसको प्यार करते हैं, कौन सा चीज को प्यार करते हैं, जिसको जो हमारे पास नहीं है उसको, है ना, जो हमारे पास होता है उसको छोड़ देते हैं, बाहर में जाओ तो हमारे साथ हमेशा रहता है कि नहीं? ये आजकल का टेंडेंसी है कि नहीं? तो वैसे ही ये, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए इलेक्ट्रॉन चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है तो समझ सकते हो, है ना, किसका चार्ज प्लस होगा, तो प्लस चार्ज वाला है। तो ये जो आपका रिएक्शन दिया है आपका बुक में, है ना, टोलिन को लेकर रखा है, टोलविन। सो टोलिन मतलब कौन है? बेंजीन के ऊपर CH3। आपने यहाँ पर X2 को लेंगे और ये X2 इसके जैसे ही, ये भी हैलोजन है ये भी हैलोजन है, बट दोनों में अंतर देखो ये पता चलेगा। यहाँ पर आप क्या करोगे ना, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन आप डार्क मोमेंट, डार्क में लोगे, डार्क में क्यों लोगे, क्योंकि ये फ्लाइट में ले रहे थे यहाँ पर, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट डार्क, ठीक है, क्यों आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आज से मैं आपको हिंट दे चुका हूँ, इलेक्ट्रोफाइल बनना है यहाँ पर Fe डार्क, या तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के लिए FeCl3 ले सकते हो, या तो AlCl3 ले सकते हो, ये भी आप ले सकते हो एनहाइड्रस। ये सब क्या है जी, ये सब के सब क्या है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, EDS, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ये क्या करेंगे, ये एक्सप्लोड करेंगे X2 को, अभी देखो कैसे एक्सप्लोड करेंगे, X को ऐसे तोड़ेंगे, जनरली दोनों को कैसे तोड़ना चाहिए, बीच में तोड़ना चाहिए, जैसे यहाँ पर टूट रहा था लाइट के प्रेजेंस में, वो बीच में नहीं तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि इनके फेवर में आ जाए वो, कैसे तोड़ेंगे, हेटरोलाइटिकली तोड़ेंगे। हेटरोलाइटिकली तोड़ना मीन्स व्हाट, एक इलेक्ट्रॉन एक ले जाएगा एक्स और एक दे देगा, X1 प्लस और एक बन जाएगा X1 माइनस। ये X माइनस जो है ऐसे क्यों बना, क्योंकि इन लोग का नीड है,
AlCl3FeCl3 इन लोग का नीड है. क्या नीड है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उनके पास, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो वो क्या करेंगे, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन x माइनस पास, उसको ले लेंगे. अगर x माइनस को ले लिए, बच गया x1 प्लस, जो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल जैसे बिहेव करेगा, e प्लस जैसे बिहेव करेगा. ये जो ये है इलेक्ट्रोफाइल है, वो आएगा अभी अटैक करने बेंजीन के पास. क्यों भाई? अभी इसके पास कमी है ना इलेक्ट्रॉन, वो जाएगा बेंजीन के ऊपर. क्यों जाएगा? बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, इसलिए उसके पास आएगा. उसके पास जाएगा, जाते जाते देखेगा ये एकदम बैठा है ऊपर. ये कौन है? ये डिसाइड करेगा कि भाई एक्स जो आएगा ना, इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा ना, कहां पर अटैक करेगा, वो डिसाइड करेगा. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक लग चुका है ना. हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, ये जो पहले से आके बैठे रहता है ना, उसका दो प्रकार का नहीं है. कभी कभी वो लोग क्या करते हैं ना, ऑर्थो मतलब पड़ोस में, या तो पारा ऑर्थो पारा में भेज सकते हैं, या तो मेटापोजिशन में भेज सकते हैं, है ना. इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, इधर ऑर्थो पारा डिरेक्टिंग ग्रुप्स या तो मेटा डिरेक्टिंग ग्रुप्स. ये जो बैठा हुआ ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो कहाँ भेजेगा इलेक्ट्रोफाइल को. इलेक्ट्रोफाइल तो कहीं पर भी अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल को कहीं पर भी अटैक कर सकता है, उसके पास ताकत है. बट सबसे बेस्ट प्लेस उसको चुनना है. सो बेस्ट प्लेस से ये डिसाइड करेगा सीएससी. ठीक है, तो सीएससी ऐसा क्या है, ऑर्थो पैरा डिटेक्टिंग है. आपको याद रखना है, मैं आपको शॉर्टकट भी दिया था, ऑर्थो पैरा डिटेक्टिंग कौन है, मेटा डिटेक्टिंग कौन है, उन दोनों को कैसे याद रखना है. टेंशन मतलब अगर याद नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा. हायर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अगर डायरेक्टली लगाए तो हायर, बट यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ना जी, क्या करोगे यहाँ पर, तो सीएससी सीएससी सब सेम हो गया, तो क्या करोगे अभी. ठीक है, वो भी हाई इलेक्ट्रॉन लगेगा तो क्या होगा, डाइट लगाए तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग. यस, सही तो बोला यार, टेंशन मत लो, बोलो आगे बोलो. ज्यादा इलेक्ट्रॉन एटम लगेगा तो क्या होगा, तो शायद मेटा डायरेक्टिंग होता है. कौन ओम बोल रहा है? हाँ सर, हमेशा उल्टा ही बोलते हो ना तुम. देखो, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एटम अगर लगे रहेगा साइड में तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना. या तो ऐसे याद रखो, जो लोग डोनेटिंग होते हैं, जो लोग डोनेटिंग होते हैं वो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं. और जो विथड्रॉइंग होते हैं, दो प्रकार के ग्रुप्स होते हैं ना, देने वाले लेने वाले. देने वाले बहुत कम होते हैं दुनिया में, जैसे देने वाले कम होते हैं लेने वाले सबसे ज्यादा होते हैं, वैसे इधर भी है ना. कहाँ से, हमारा नेचर का नेचर में है ना, सब लोग दुनिया में जितने सब वैसे ही है. देने वाले कम है, लेने वाले ज्यादा हैं. देने वाले जो हैं वो लोग व्हाट्सएप पर डेटिंग होते हैं. या तो ऐसे याद रख सकते हो, हम आगे चल के देखेंगे और भी ग्रुप्स आएंगे. बट यहाँ पर देखो, ये लोग सीएससी देता है, सीएससी डोनेटिंग ग्रुप है. सो देगा तो क्या होगा, व्हाट्सएप पर एक्टिवेट हो जाएगा. सो ये जो ई जाएगा कहाँ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा एंड पैरा पोजीशन पे जाएगा. तो दो प्रोडक्ट बनेंगे CS3. फिर उसमें मेजर माइनर आएगा क्या? हाँ आएगा ना. पारा में आएगा कौन, E के जगह में, X के जगह में कौन है, कोई भी हो सकता है. X लिख लो प्लस. आपको क्या लगता है ऑर्थो एंड पारा में से मेजर कौन सा होगा? दोनों तो बन रहे हैं, ऑर्थो में जा रहा है पारा में जा रहा है. क्या लगता है आपको, थोड़ा सोचो, दिमाग दिया ना भगवान फ्रिज में रखने के लिए, सोच के बताओ क्या होगा, मेजर कौन बनेगा? जल्दी गाइस जल्दी. देखो जनरली क्या पारा होगा कि, हाँ जनरली पारा वाला ज्यादा मेजर होता है. क्यों? रीजन ये है, देखो जब एक्स आएगा ना पड़ोसी में, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, थोड़ा रिपल्शन होगा, होगा कि नहीं? लाइक हाँ सर, साइड में कोई बैठा है और आप जा रहे हो उसके साइड से, जाए बोलेगा जा इधर से जा, है ना, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, आई वॉन्ट टू लिव हियर, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ. तो वह सीएससी जो है ना, और बैठा है ना, उतना जल्दी अलाउ नहीं करेगा साइड में, थोड़ा तो रिपल्शन रहेगा, है ना, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, है ना, एटम एटम के बीच में. हम तो यहाँ पर सीएससी लिख दे रहे हैं जैसे छोटा वाला है,
बट एक्चुअली उसको 3 डायमेंशन में देखोगे C का एक एटम है, C के साथ फिर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ऊपर से ये साइड से ये साइड से, तो ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। टेक्निकली ये रिपल्शन को स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से चले जाएगा साइड में, बट तकलीफ हो रहा है ना, तो इतना आसान से नहीं जा पा रहा है, इससे माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे पारा इज अ मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो इज अ माइनर प्रोडक्ट, बट कुछ कुछ केसेस में उल्टा भी हो जाता है, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है। सो मैक्सिमम ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, एक्स प्लस जाके अटैक किया ऑक्स एंड पैरा पोजिशन में, इसलिए। तो यहाँ पर और जगह डिटेल में जाऊंगा ना, खत्म ही नहीं होगा, इट्स लाइक 12th एंड 11th कमेंट करके पढ़ रहे हैं यहाँ पर। देखो ऑर्थोपैरा डिलीटिंग जो है, एक्चुअली ऑर्थोपैरा डिलीटिंग क्यों हुआ, इसके पीछे भी रीजन, आप रिसर्च करो, है ना, मजा आएगा, सब कुछ मैं बता दूंगा, तो फिर घर पे कुछ नहीं रहेगा पढ़ने के लिए, तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे कि ऑर्थोपैरा डिलीटिंग के वजह से कुछ होता है ना सर, स्टेबिलिटी आता है, चार्जेस का सेपरेशन वैसे कुछ होता है। रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आता है इंजन के अंदर, इलेक्ट्रॉन आके ये अलग अलग जगह में आके रहता है, घूमता है, घूमते घूमते कुछ जगह में इंटरमीडिएट में बैठा रहता है ना, तो उसके साथ रिलेटेड। तो आप थोड़ा जाके रिसर्च करो कि ऑर्थोपैरा डिलीटिंग मेटा डिलीटिंग कैसे माना जाता है और कौन कौन ग्रुप से वैसे। चलो ये हो गया बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट रिएक्शन, और एक पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए नोट देके, इसी के नीचे इंपॉर्टेंट है नोट। फर्स्ट पॉइंट, द ऑर्थो एंड पारा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड ड्यू टू दैट हाई डिफरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है कि नहीं, मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स सब अलग रहता है, मेल्टिंग पॉइंट्स पर ले जाए ज्यादा डिफरेंस रहता है, आगे चल के डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस क्यों हुआ, क्योंकि आप एज्यूम कर सकते हो मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, यू रिमेम्बर मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन सिमेट्री, है ना, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन सिमेट्री, सिमेट्री जिसका बहुत पूरा सिमेट्रिकल है वो लैटिस के अंदर प्रॉपरली फिट हो जाता है और उसको मेल्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस लॉजिक के हिसाब से देखेंगे तो पारा एंड ऑर्थो में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पारा का यस। तो पारा देखिए ऊपर में एक ग्रुप लगा है, नीचे एक ग्रुप लगा है, तो इट्स लाइक सिमेट्रिकल, नॉट एग्जैक्टली सिमेट्रिकल बट इसके कंपैरेटिव सिमेट्रिकल है, तो इसको ना हम लोग क्या कर सकते हैं, लैटिस में प्रॉपरली फिट कर सकते हैं, जो सॉलिड बनता है, सॉलिड का क्या होता है, लैटिस होता है, तो लैटिस में उसका घर है सॉलिड का, जब बन जाता है उसमें मेल्ट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है बिकॉज ये सिमेट्रिकल, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन सिमेट्रिक। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट, अगर एक्स की जगह हमारा आयोडीन हो गया ना तो बहुत मुश्किल होगा, हमें रिएक्शन करने में बहुत मुश्किल होगा। चलो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा था, यहाँ पर इसको छोड़ के यहाँ से कौन सब्स्टिट्यूट होगा, इलेक्ट्रोफाइल आके किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, हाइड्रोजन को करेगा, हाइड्रोजन तो निकलेगा, कैसे निकलेगा, एच प्लस के रूप में निकलेगा, क्योंकि ई प्लस जा रहा है तो एच प्लस निकलेगा, H+ निकलेगा, और ये क्या है, कैटलिस्ट X माइनस, हाँ इसको वापस में छोड़ देगा, HX बनेगा, बस HX बनेगा जो कि हम नहीं लिखते। अगर हम लोग इसको आयोडिन लेंगे, H2 की जगह में आयोडिन लेंगे, प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताया था ना आयोडिन के केस में डिस्कस किया था, आयोडिन जो है सर रिवर्सिबल होता है ना, बस आयोडिन जो है क्या ना वो वापस पीछे आने के लिए ट्राई करता है, I2 बनने के लिए वापस ट्राई करता है, तो ये अगर आयोडिन लोगे तो यहाँ पर HI बन जाएगा, H2 की जगह आयोडिन लोगे, HI अगर बन गया तो फिर वापस ट्राई करेगा पीछे आने के लिए, तो आपको क्या करना है, वहां पे HI बन गया ना इसको तोड़ डालना है, इसको ये HI को हटा ही देना चाहिए यहाँ से, HI को वैसे रख दोगे सोल्यूशन में तो बोलेगा फिर वापस मैं H2 बन जाऊंगा, है ना, फिर बोलेगा मैं अपने घर से ले जाऊंगा फिर, है ना, मैं जैसे यहाँ से आया था फिर वहां से ले जाऊंगा, सारे रिएक्शन फिर उल्टा हो जाएगा, आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आयोडीन के केस में कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिक एजेंट्स यूज करने हैं, ऐसा एजेंट्स जो HX को HI को पर्टिकुलरली तोड़ डालता है,
एंड उसको आई टू बना देता है वहां, ठीक है। चलो तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में वही लिखेंगे, राइट डाउन, रिएक्शंस विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर, रिएक्शंस विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर, उल्टा आ जाता है, आयोडीन बहुत स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, एंड रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्पेसिफिक एजेंट्स जो बोल रहा था, रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे कि लाइक HNO3 एंड HIO3, इसमें और भी मेंशनड है, HIO4 भी मेंशनड है, ठीक है, HNO3 एंड HIO3 लिख लीजिए, इन दोनों का रिएक्शन है मेरे पास, HNO3 एंड HIO3। तो ये लोग क्या करते हैं, देखिए, वंस HX फॉर्म हो जाएगा ना, टाइप फॉर्म हो जाएगा ना, वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके, HNO3 तो पता है जनरली यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है ये, तो समझ जाओ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर हुआ तो CO से प्रोडक्ट्स क्या क्या है, NO2 है, I2H2O, वाटर है, प्लस I जो है वो बन जाएगा I2, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है ना, 1 माइनस को 0 कर दे रहा है, ठीक है, HI प्लस HIO3 जो अगर पास करोगे तो ये भी क्या करेगा, उसको वही करेगा, आयोडीन प्लस H2O, तो आयोडीन को वैसे निकाल दिया, टेंशन नहीं है हमें, रिएक्शन फिट नहीं आएगा, सो एक्स्ट्रा खर्चा चाहिए और क्या, एक्स्ट्रा स्टेप्स यूज करना है, समझ में आया सबको यहाँ तक कि कुछ डाउट है, कम ऑन गाइस, देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना पॉसिबल है मैं उतना पीछे जाके आपको पढ़ाऊं, लेकिन आई हैव ए कॉन्स्टेंट टाइम, या सो क्या बोल रहा था, अगर समझ गए तो इसका आंसर बताओ, नहीं बता पाया मैं तब नहीं समझे, व्हाट इज द प्रोडक्ट सर, कॉल जल्दी सर, या सो 1-chloro-1-methyl बेंजीन प्रोडक्ट क्या होगा जी, पैरा क्लोरो बेंजीन से पारा जो है वो कॉमन नेम है, वन क्लोरो फोर मिथाइल बेंजीन सही है, एनी अदर प्रोडक्ट्स, वन क्लोरो टू मिथाइल बेंजीन, वन क्लोरो टू मिथाइल बेंजीन, वन क्लोरो टू मिथाइल बेंजीन, और माइनर होगा ना, और माइनर होगा, और कुछ, और HCl, HCl, और कुछ हो गया सबका, हाँ सर सबका हुआ, हाँ सर हाँ सर हाँ सर
लॉक कर दिया जाए सर, ऐसा नहीं लग रहा सर। ऐसा नहीं होगा, कौन बोला ऐसा नहीं होगा? मेरे को लग रहा सर, मैं सियाशी सी। हाँ तो ये ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा फिर? देखो यहाँ पर क्या है, HNU जो है, HNU क्या करेगा, CL को होमोलैटिकली तोड़ेगा। क्या करेगा, CL को होमोलैटिक, आप क्या कर दिए इसको इलेक्ट्रोफाइल बना दिए और इसको जोड़ भी दिए, अजीब हो यार आप लोग। सीएल को तोड़ेगा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कौन देता है, एल्केन देता है। यहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं नहीं लगेगा, ठीक है? आपको लगता है कि सर इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे दिए, सोचे नहीं आप लोग? सब गलत कर रहे हैं, सब प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए इसलिए। चलो क्या होगा प्रोडक्ट, CH2Cl ऊपर जाए तो अभी यहाँ पर मेंशन नहीं है। हाँ बट यहाँ पर CL हो सकता है, या तो मतलब सारे के साइड हाइड्रोजन हट सकते हैं, वो डिपेंड करेगा इन लोगों का प्रोपोर्शन कितने लिए हैं, ज्यादा एक्सेस में लोग तो सबके साथ हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। सो बेटर आप समझो कि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तो दिस विल बी द प्रोडक्ट। प्लस यहाँ का जो H निकला होगा दूसरा CL मिलके HCl सही था। हाँ लास्ट में ही बोलोगे, ठीक है? सो संभाल के करो गाइस, है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आपको फंसाता है। दोनों जनरली बेंजीन देखते ही टेम्प्ट हो जाएंगे, यार चलो बेंजीन के ऊपर लगा देते हैं क्लोरीन को, है ना। लेकिन साइड में इसको देखना, अगर यहाँ पर आयरन डार्क होता या FeCl3 होता तब ये सारे प्रोडक्ट्स होते, ठीक है? सो दिस इज अबाउट टुडेज क्लास। तो आपका होमवर्क है बाकी रिएक्शंस को देख के समझ के क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में आना है, और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस क्या क्या करना है होमवर्क डिटेल में बता दे रहा हूँ, और बाद में करेंगे उसको, ये हमारा स्टैंड में ये सब भूल जाओ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मैं डिटेल में बताऊंगा सब कुछ। आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है एग्जाम्पल 10.3। होमवर्क टाइम पे करो, छोड़ो मत कुछ, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट इन टेक्स्ट जो है 10.2 से लेके 10.5 इतना होमवर्क है आपका, ठीक है? इतना कर लो खत्म, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास कब है, मंडे? यस सर।